गुड इवनिंग एवरी वन, माई सेल्फ दीक्षा एम सीनियर नर्सिंग ट्यूटर RPIIT कैंपस पस्ताड़ा करनाल। टूडे आई हैव डिस्कस माई प्रीवियस टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ आई रेटिनल डी अटैचमेंट। सो इन दी सेशन आई हैव डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवेलुएशन ऑफ दी रेटिनल डी अटैचमेंट, कि जब भी किसी पेशेंट को रेटिनल डी अटैचमेंट हो उस पेशेंट के केसेस में हमारी फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री क्या होएगी। तो फर्स्ट वन, एलिसिट हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। हम उस पेशेंट को पूछेंगे आइस में कोई ट्रॉमा हुआ हो या लगी हो या किसी कारण चोट पड़ी हो, या फिर जैसे कई बार तूफान वगैरह जाता है ना, पर्सन बाहर घूम रहा होता है तो क्या हो जाते हैं, जो मिट्टी के कण है वो आई में आकर चले जाते हैं, तो उस कारण है ना। देन प्रीवियस ऑप्थाल्मोलॉजिकल सर्जरी, पहले उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है कि जिसका कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट हो रही हो। देन प्रीवियस आई कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल यूवेटस, विट्रस हेमरेज। विट्रस हेमरेज देखा है आपने किसी पेशेंट को? तो नहीं देखा होगा तो पिक्चर में देखिए, सेकंड नंबर वाली पिक्चर है। ये क्या है, एक विट्रस हेमरेज हुआ है पेशेंट को, जिसके कारण उसकी प्रॉपर पूरी आई क्या हो गई है, रेड हो चुकी है, जिसमें क्या है अंदर ही ब्लड वाले कोगुलेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया पर्सन को। देन ड्यूरेशन ऑफ द विजुअल सिम्टम एंड विजुअल लॉस, अगर उसको बीच बीच में सिम्टम्स आ रहे हो, धुंधलापन दिखाई देना, ब्लड विजन बोला गया एंड विजन उसको लग रहा है आई देख नहीं पा रही है अच्छे से एक, तो वो सारे रीजन हम उससे पूछेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। आगे क्या क्या चेक करेंगे हम पेशेंट का, ये सारी चीज़ें पूछ ली। देन फिजिकल एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करेंगे पेशेंट की, देखो अगर हम किसी और अन्य डिजीज के कारण जाते हैं हॉस्पिटल में, क्या चेक करते हैं, हमारे चार पॉइंट होते हैं, पालपेशन, एस्कल्टेशन, ये वो सारे। आईज के केसेस में ये सब नहीं होएगा, आईज के केसेस में हम क्या करेंगे, विजुअल एक्टिविटी को चेक करेंगे, ठीक है। देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड साइन ऑफ ट्रॉमा एंड चेकिंग ऑफ द विजुअल फील्ड, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप के साथ क्या करेंगे, पेशेंट के आइज में ट्रॉमा देखेंगे, ट्रॉमा तो नहीं है, या विजुअल फील्ड को चेक करेंगे, कितना पेशेंट देख पा रहा है, कितने परसेंट पेशेंट देख पा रहा है। देन असेसमेंट ऑफ द प्यूपल रिएक्शन, ठीक है, पेशेंट के आई को ओपन करके हम क्या करेंगे, टॉर्च लगाकर हम क्या करेंगे, प्यूपल का रिएक्शन देखेंगे, कितना डायलिटेशन हो रहा है। देन मेजरमेंट ऑफ द इंट्राकुलर प्रेशर इन बोथ आई, ठीक है, इंट्राकुलर प्रेशर चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ इंट्राकुलर प्रेशर हम किस चीज़ में चेक करते हैं, आई के ग्लूकोमा में, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या हो जाता है, इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली हमारा इंट्राकुलर प्रेशर कितना होता है, 22 mm of Hg, ठीक है, और किससे इंक्रीज हो जाए, जो ग्लूकोमा क्रिएट कर सकते हैं, 25 से ग्रेटर हो जाए तो क्या हो सकता है, ग्लूकोमा अकर हो सकता है पेशेंट को। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या है, एक माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, जो स्लिट लैम्प है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आई की ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाइस का यूज़ करते हुए पेशेंट की पहले आई में डालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो आई की क्लैरिटी है उसको डॉक्टर अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप की इमेज से देख पाएगा। देन एग्जामिनेशन ऑफ द विट्रस ऑफ साइन एंड पिगमेंटिन एंड टबैको डस्ट, एग्जामिन करेगा विट्रस की, डस्ट वगैरह तो नहीं आई में, ठीक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम है सारा कुछ। आगे जाता है डायग्नोसिस में ही, कि फंडस फोटोग्राफी और ऑप्थाल्मोस्कोपी, ठीक है, ऑप्थाल्मोस्कोपी करेगा ये कौन करता है, एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, जो आई का स्पेशलिस्ट होता है। देन फंडस फोटोग्राफी में क्या होता है, लार्ज इंस्ट्रूमेंट देन दी ऑप्थाल्मोस्कोप, जो ऑप्थाल्मोस्कोप है उससे भी एक लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें से क्या किया जाता है, फंडस फोटोग्राफी की जाती है, जिससे आई का एक एक जो छोटा छोटा भी पार्ट है वो भी प्रॉपर आ जाता है कि कहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम है। देन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सुना है कभी आई का, जी होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ दी आई। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIIT YouTube Academy चैनल एंड कंटिन्यू दी टॉपिक, ज्वाइन माई सेकेंड सेशन। थैंक यू।